नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे एट शॉपी रिटेल के बारे में। इस स्टॉक की बात करें दोस्तों, इस स्टॉक में बहुत सारे इन्वेस्टर जो है कि टॉप की बात करें दोस्तों, इस स्टॉक का जो है कि 137 का है, लेकिन ऐसे में देखा जाए तो एवरेज प्राइस की बात करें तो हो सकता है कि 90-92 के आसपास निकल के आएगा। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक के बारे में मेरे मुँह से जो है कि गलत नहीं सुन सकते, क्योंकि दोस्तों क्या है कि हम हर बार जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि इसके बारे में निगेटिव बताते हैं और जो है कि रिटेल इन्वेस्टर मानते नहीं है। किसी ने हमको जो है कि कमेंट करके बताया था, बोला था कि आप जिस दिन इस स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाते हो उस दिन स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आती है, उसके नेक्स्ट डे जो है कि अच्छी खासी तेजी आती है। तो हमने सोचा कि दोस्तों आज के दिन हो सकता है कि स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा वीडियो बना देते हैं, तो हो सकता है कि नेक्स्ट डे जो है कि देखते हैं अच्छी खासी तेजी आती है कि नहीं। चलिए हम स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं। हम आ गए एट शॉपी रिटेल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्टॉक जो है कि ओनली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं कि आज के दिन इस स्टॉक में 2.5% के आसपास गिरावट हुई, लेकिन हाँ, ऐसे में बताना चाहते हैं 3% के आसपास स्टॉक एक्चुअल में गिरा था। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा दिन जो है कि स्टॉक प्रेशर में ही था। यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि कुछ रिकवरी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, इसका अगर मार्केट कैप देखने जाएंगे तो यहाँ पे जो है कि 3.3 करोड़ के आसपास निकल के आता है, लेकिन हाँ, ये क्या है कि राइट इशू के कारण है। एक्चुअल में देखने जाएंगे तो 200 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों क्या है कि आज के दिन का इसका हाई देखेंगे तो 71.75 है, 68.50 रुपये कंपनी का लो है। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे हाई लो दोनों जो है कि सेम ही रहते हैं, हर दिन जो है कि वही सेम ही रहते हैं। दिन में स्टॉक जो है कि 7.5% डाउन है। एक महीने की बात करें तो एक महीने में भी स्टॉक जो है कि 8% के आसपास डाउन है। यहाँ पे देखेंगे 6 महीने में, तो 6 महीने में देखेंगे दोस्तों 2 बार स्टॉक में जंप हुआ है, 8% के आसपास डाउन है। सबसे पहला जंप यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद अच्छी खासी गिरावट, फिर तेज़ी, फिर जो है कि गिरावट, फिर तेज़ी, फिर गिरावट। मतलब दोस्तों यहाँ पे भी देखेंगे तो हर बार जो गिरावट होता है ना, तेज़ी से बहुत ज़्यादा गिरावट होता है। वाई टू डेट की बात करें तो स्टॉक जो है कि 25-25% डाउन है। एक साल की बात करते हैं, एक साल में कंपनी ने लगभग 20% के आसपास रिटर्न बना के दिया। यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो बहुत ज़्यादा उठा पटक है। यहाँ पे देखेंगे तो अप्स, फिर डाउन, फिर अप्स, फिर डाउन, फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो एक अप्स आया, फिर अभी कंपनी जो है कि डाउन चल रही है। 5 साल तो कंपनी को हुआ नहीं है। तो ऐसे में बता दें दोस्तों, ये कंपनी जो है कि सितंबर 2018 में कंपनी लिस्ट हुई थी, वहाँ से अभी तक की बात करें तो कंपनी लगभग जो है कि 850% का रिटर्न बना के दिया है। वही 850% है दोस्तों। दरअसल क्या है, ये भी कंपनी जो है कि जस्ट अभी भी मार्केट में एट शॉपी रिटेल के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, सिर्फ इसका जो है कि 200 करोड़ का मार्केट कैप है, 197 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और 70 रुपये के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। ऐसे में दोस्तों बताना चाहते हैं, किसी ने हमको जो है कि कमेंट करके बताया था कि जो है कि माइक्रो कैप कंपनी है, इसमें जो है कि जिसको निवेश करना है तो करे, आप गलत मत बताइए। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, ये माइक्रो कैप कंपनी है ना, ये कभी भी जो है कि रातों रात जो है ना कि बड़ा नहीं बन जाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। स्टॉक गलत नहीं दोस्तों, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन क्या है कि इसमें जो रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगाए बैठे हैं दोस्तों, अगर देखा जाए तो इसमें जो है कि बहुत लंबा टाइम लग सकता है मेरे पॉइंट से। 70 का इसका करंट प्राइस चल रहा है, 137 कंपनी ने हाई लगाया था। यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो है कि बाइंग करके फंस गए, उसके बाद देखा जाए तो कंपनी ने राइट इशू लेके आया। राइट इशू से अगर इसका प्राइस कंपेयर करेंगे तो 90-90 के आसपास निकल के आएगा। 55 का कंपनी का लो है, पी की बात करें तो 9 का है, 10 का फेस वैल्यू है, डिविडेंड कंपनी कुछ भी नहीं पे करती। ROC ROE देखा जाए दोस्तों जो है कि 70 के आसपास निकल के आता है, 10 का फेस वैल्यू है। इसकी बात करें दोस्तों, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे इनके सेल्स में जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम प्रोपोर्शनल में है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस, ईयर ऑन ईयर बेसिस, दोनों बेसिस पे जंप है। प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी उसी सेम प्रोपोर्शनल में, आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहले कितना था, 3.5 करोड़ का था, इस बार की बात करें तो 5-6 करोड़ के आसपास है। इनके पास 2, 5, 12, 22, 37, 78, 156, 178 देखा जाए दोस्तों, कंपनी का जो बिजनेस है नो डाउट दोस्तों सुपर डुपर चल रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो बहुत ही छोटा है, पहले कंपनी जो है कि 0, 0, 2, 3, 11, 25, 28 ऐसे में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी इनका सेम प्रोपोर्शनल में, आप यहाँ पे देखेंगे 1, 1, 8, 19, 21 करोड़। कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें दोस्तों, सेल्स ग्रोथ भी इनके देख सकते हैं, लॉन्ग टाइम में अच्छे खासे दिख रहे हैं। TTM की बात करें तो वो भी ठीक ठाक है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो भी 100% के ऊपर निकल के आ रहा है। यहाँ पे CGR की बात करें तो कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न भी बना के दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें जो कि 50 के ऊपर है। बैलेंस शीट की बात करें दोस्तों, कंपनी के पास रिजर्व्स नो डाउट ग्रोइंग मोड में। डेट की बात करें तो डेट इनके ऊपर 3 करोड़ का है।
शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, यहीं पे जो है कि हमने हर बार आपको बोला था, बताया था दोस्तों, देखिए यहाँ प्रमोटर का स्टेक देखेंगे तो पहले कितना था, 63% के आसपास था, फिर उसके बाद 58 हो गया, मतलब जो इन्होंने 5% सेल किया दोस्तों, उसको बाइंग किसने किया, पब्लिक ने। यहाँ पे दोस्तों DIs और FIs भी तो बाइंग कर सकते थे, जो कि देखिए किसी को गलत लग सकता है, माफ़ी चाहेंगे, लेकिन दोस्तों बताना चाहते, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक हर बार जो है कि स्टेक को पब्लिक बढ़ाते जा रहे हैं। इस बार की बात करें तो यहाँ पे क्या है, राइट इशू के कारण जो है कि स्टेक बढ़ता हुआ दिख रहा है। FIs की बात करते, FIs है नहीं, DIs की बात करें, DIs भी नहीं है, प्रमोटर और पब्लिक है। प्रमोटर के शेयर में जो है कि ट्रेडिंग होता नहीं, पब्लिक में ही जो है कि ऑपरेटर बैठे रहते हैं। तो अपने को करना क्या है, सबसे पहले बताना चाहते हैं, जिनके पास भी है आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं, जो ऑलरेडी सोच रहे हैं कि हम फंस गए इस स्टॉक को लेकर के, दोस्तों हम उनसे बताना चाहते हैं कि इस कंपनी का जो है फंडामेंटल्स, फाइनेंशियल कंडीशन सारा कुछ स्ट्रांग है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें दोस्तों, यहाँ पे ओनली पब्लिक और प्रमोटर ही है। थोड़ा सा क्या है, FIs DIs अगर आ जाते हैं ना दोस्तों तो अच्छी बात होती, और क्या है दोस्तों बहुत छोटी कंपनी है, रिस्की तो है दोस्तों, रिस्की होने का मतलब क्या है, बहुत ही छोटी कंपनी है, इसको अभी दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सपांशन की जरूरत है, बहुत ज़्यादा जो है कि मतलब स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो ऐसे में दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर का हो सकता है कि आगे बहुत ज़्यादा पेशेंट टेस्ट हो सकता है। अभी जिसको इस स्टॉक को बाइंग करना है दोस्तों, आप चाहे तो करंट प्राइस से बाइंग कर सकते हैं। हायर साइड की बात करते हैं, ये स्टॉक जो है कि 100 के आसपास जाके वहाँ से गिरावट चालू हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, अगर मान लीजिए इस स्टॉक में गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये स्टॉक हो सकता है कि 60 से 62 तक आ सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।